Hello and welcome friends. Today we are going to learn how to use data validation in Google Sheets. So let's start this video. First of all, we have to open a Google Sheet. From where you can open Google Sheet, go to your browser, type here Google Sheet और यहाँ से आप अपनी Google Sheet को open कर सकते हैं. और यहाँ से आप इसको ओपन करिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और आसानी के साथ इसको खोल लीजिए. देखिए मैंने यहाँ पे ओपन करके ये रिकॉर्ड भी पहले से बना रखा है और हम यहाँ पर वो सारी चीज़ें सीखेंगे, खासतौर पे डेटा वैलिडेशन और उसके बाद से ऑप्टेन मार्क्स कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम मिनिमम जो काम हम एक्सेल पे करते हैं वो सारे काम हम इस पर सीखने वाले हैं. तो दिल थाम के बैठिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. सबसे पहले डेटा टैब पे आप क्लिक कीजिए और डेटा टैब पे क्लिक करने के बाद आ जाइए डेटा वैलिडेशन पे. जैसे ही डेटा वैलिडेशन पे आएंगे आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखेगा रेशियो. आपको क्या करना है, यहाँ लिस्ट रेंज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करिएगा आप और यहाँ आ जाइएगा लिस्ट ऑफ आइटम्स पर. यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा से सेपरेट करते हुए नाम लिखते जाइए. फर्स्ट नाम मैंने लिखा राम, कॉमा से सेपरेट किया, दूसरा नाम सूरज, तीसरा नाम आरुषि, चौथा नाम पूजा, शिवम, सचिन, सौरभ, रमेश. तो इतने सारे नाम हमने लिख लिए हैं आप देख सकते हैं. और रानी, ज्योति, पूनम, सुरेश, ये सारे नाम हमने लिख लिए हैं. तो अब हमें क्या करना है, इस पर सिंपली सेव पे क्लिक करना है आपको. यहाँ से आप सेव पे क्लिक कीजिए और जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको डेटा वैलिडेशन कुछ इस तरह से दिख जाएगा. अब यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, जो भी आपको नाम चाहिए यहाँ से ले लीजिए. कितना आसान है देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत ही अरेंज वे में नाम दिया हुआ है और यहाँ पर आप जो भी नाम चाहिए यहाँ से ले सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से आप नाम ले लीजिए, जितने भी लोगों के नाम चाहिए आपको आसानी से ले सकते हैं. तो यहाँ पर सूरज ले लेता हूँ मैं, कर सकते हैं. ठीक है, रानी. ठीक है, यहां पर और देखिए नाम सौरभ भी हो चुका है और ज्योति भी हो चुका है, इतना ही नाम रहने देते हैं. यहां पे क्लिक करते हैं और यहां पर अब हमें वो लिस्ट जो हम बनाते थे रैंड बिटवीन से, इसको देखते हैं इसमें आता है या नहीं. तो इज इक्वल टू लगाया, लिखा रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन. तो देखिए यहाँ पे रैंड बिटवीन शो कर रहा है. तो यहाँ पर आ जाइए आप, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो यहाँ रैंड बिटवीन आ चुका है. अब यहाँ पे लोवेस्ट नंबर लिखना है हमें, तो लोवेस्ट नंबर हम लिख देते हैं 22 और हाईएस्ट नंबर लिख देते हैं 98. इस ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और करते हैं अब हम एंटर. जैसे एंटर करेंगे यहाँ एक नंबर आ जाएगा. अब इसको हमें यहाँ से ड्रैग करते हुए लेके जाना है यहाँ तक. अब देखिए यहाँ पे सारे नंबर आ चुके हैं हमारे और बस यहाँ तक आना है हमें. इस तरीके से हमने ये लिस्ट बना लिया. अब इसको कॉपी करिए और सेम वही चीज़ पेस्ट स्पेशल पे जाइए और इसे बना दीजिए वैल्यू. तो आपका काम हो चुका है, आप देख सकते हैं. इन दोनों कॉलम्स को मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट. ठीक है, इतना ही रहने देंगे हम. अब यहाँ ऑप्टेन मार्क्स कैलकुलेट करना है, बहुत ही आसान है. सम फॉर्मूला लगाइए आप और ऑप्टेन मार्क्स सेलेक्ट कीजिए. देखिए गूगल शीट पे डेटा रखने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि आप क्लाउड पर डेटा रख सकते हैं. क्लाउड पर मतलब इंटरनेट पे ऑनलाइन डेटा आपका पड़ा रह सकता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है. इसके बाद हम मैक्सिमम निकालते हैं, इज इक्वल टू मैक्स. सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है, बल्कि आपको एक्सेल से ज़्यादा फैसिलिटी गूगल शीट पर मिल जाएगी. आप अगर एक बार एक्सेल शीट यूज़ करते हैं और गूगल शीट यूज़ कर लेंगे तो आप गूगल शीट को ही प्रीफर करेंगे हमेशा. अब यहां पे मिनिमम निकालना है तो यहां पे मिन, तरीका वही है, टैप कर देंगे तो ब्रैकेट लग जाएगा आपका. तो यहां पे मिनिमम अब वैल्यू आ जाएगी, तो यहां मिनिमम वैल्यू भी निकाल ली. यहां पे एवरेज भी हम निकाल लेते हैं, एवरेज हमने यहां पे लिखा और यहां पे एवरेज आ गया और ये देखिए अपने आप सेलेक्ट हो गया. एंटर करिए और देखिए कितनी अच्छी फैसिलिटी आपको यहां पर मिल रही है. यहां पर डबल क्लिक कीजिए,
ये सारे वैल्यूज आ गई हैं जैसे एक्सेल में आ जाती हैं। डबल क्लिक करिए यहाँ पे प्लस बनते ही, यहाँ पर रखिए डबल क्लिक कीजिए प्लस बनते ही ये सारी वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ पर रखिए डबल क्लिक करिए तो ये सारी वैल्यू आ गई। अब हमें ग्रेड निकालना है तो इज इक्वल टू इफ फॉर्मूले से हम ग्रेड निकालते थे, आपको याद होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पहला वाला एवरेज सेलेक्ट करना है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 85, अगर 85 से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो तो उसे मिलेगा एस ग्रेड, कॉमा देंगे इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, कॉमा देंगे अगर ऐसा होता है तो उसे मिलेगा ए ग्रेड, और कॉमा देंगे इफ ब्रैकेट लगाएंगे दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, कॉमा देंगे डबल नोटेड कॉमा। अब ऐसा अगर होता है तो यहां पे देंगे हम बी ग्रेड, यहां बी ग्रेड दे दिया हमने, ठीक है, कॉमा इफ लगाएंगे और फिर हम एवरेज को सेलेक्ट करेंगे। पहला वाला एवरेज हर बार सेलेक्ट करना है आपको, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 55, कॉमा सी ग्रेड, ग्रेड आपका सी हो जाएगा, कॉमा इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, कॉमा ग्रेड आपका डी हो जाएगा, यहां डी ग्रेड हम लिखेंगे। और अगर ऐसा ना हो तो कॉमा देंगे, यहां पे हो जाएगा फेल्ड, इन सब में से कोई ना हो तो यहां फेल्ड लिख देंगे हम, उतने ही ब्रैकेट्स को हम बंद कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहां देखिए बी ग्रेड आ चुका है, और इसको डबल क्लिक कर देंगे तो नीचे सारा ग्रेड आ जाएगा। इस तरीके से हमने एक ये शीट बना ली और आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ इसमें हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा अरेंज वे में करेंगे, जिस तरह से हम बनाते हैं अपने एक्सेल शीट को वैसे ही इसमें भी करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं ये काम कहाँ से हो सकता है। देखिए यहाँ बॉर्डर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ जो भी आप बॉर्डर लगाना चाहते हो यहाँ से बॉर्डर लगा दीजिए, देखिए बॉर्डर लग गया। इसको इस कॉलम को हमें चौड़ा करना है तो यहाँ से खींचिए, ये चौड़ा हो जाएगा, यहाँ से आप इसको रख करके और यहाँ से खींच सकते हैं तो ये कॉलम चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये थोड़ा चौड़ा हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रखना है, इस पूरे को सेलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक डेटा को, और आपको कर देना है इसको बोल्ड, और मैं इसको थोड़ा और साइज़ बढ़ा देता हूँ। साइज़ बढ़ाने का काम हम यहाँ से कर सकते हैं, ये 10 लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से इनक्रीज़ करेंगे, 12 कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब ये साइज़ जो है डबल क्लिक करिए तो ये अपने आप रिसाइज हो जाता है। इस तरीके से देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ हम इसमें काम कर पा रहे हैं। अब हमें एक और काम करना है, इस पूरे डेटा को आप सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, इसको मिडिल अलाइन कर दीजिए। मिडिल अलाइन कहाँ से होगा, देखिए हॉरिजॉन्टल अलाइन दिया हुआ है, यहाँ पे ले जाते हैं तो सेंटर अलाइन दिया हुआ है, तो सेंटर अलाइन कर देते हैं हम, सेंटर में सब कुछ आ गया, पूरा डेटा सेंटर में आ गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा डेटा सेंटर में आ चुका है। इसको खींच करके बढ़ा दीजिए ताकि ये ऑप्टेन मार्क्स सही सही हमें दिखने लगे। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इसमें डेटा वैलिडेशन का भी यूज़ किया और भी तमाम चीज़ें यूज़ करी हैं। अगर आपको ऊपर में कलर लगाना है तो कलर कैसे लगा सकते हैं वो भी सीख लेते हैं। अब हमने शुरू किया तो इसको भी सीख ही लेते हैं, ठीक है। तो कलर वाला ऑप्शन कहाँ से आएगा ये हमें सीखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कलर वाला ऑप्शन हमें कहाँ से मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ से आप टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं और यहाँ से बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम कोई कलर अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल ये कलर अप्लाई करते हैं, तो देखिए ये कलर अप्लाइड हो गया यहाँ पे। इसको स्क्रॉल करिए यहाँ से और इधर आ जाइए, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये डेटा दिख रहा है। अब जब इसको आपको सेव करना है तो यहाँ से फाइल में जाइए और यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। यहाँ देख सकते हैं आप इसे सेव नहीं कर सकते, आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने डेटा को, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं इस डेटा को हम, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसको शेयर कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इसको शेयर करते हैं, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ माई शीट, माई शीट मैंने ये नाम दे दिया, और इसको करते हैं हम सेव, ठीक है। और यहाँ पर वो ईमेल आईडी डालेंगे हम, जिस ईमेल आईडी पे हमें इसे भेजना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ अपनी ईमेल आईडी,
तो ये देखिए मैंने अपनी ईमेल आईडी लिख ली है यहाँ पे, अगर कोई नोट देना चाहते हो जितनी भी ईमेल आईडी पे आपको भेजना हो, फॉर एग्जांपल मैं एक और ईमेल आईडी ले लेता हूँ, ठीक है, देखिए ये एक और ईमेल आईडी हमने ले ली है और इन दोनों ईमेल आईडीज पे मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैं यहाँ से सेंड करूँगा, अगर आपको कोई नोट इस पर लिखना चाहते हो तो यहाँ से नोट पे लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ दिस इज गूगल शीट, आप देख सकते हैं इसको, और यहाँ से मैं इसको सेंड कर देता हूँ, तो ये डेटा हमारा क्लाउड पे सेव हो गया। आप देख सकते हैं कितने आसानी के साथ हम इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। आप टेक्स्ट को रोटेट कराना चाहते हैं तो यहाँ से रोटेट भी करा सकते हैं, या देखिए यहाँ टेक्स्ट रोटेशन का दिया हुआ है ऑप्शन, टेक्स्ट को जैसे भी चाहे रोटेट करा सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे करा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे इसको रोटेट कराया जा सकता है। यहाँ से हाइपरलिंक क्रिएट करा सकते हैं जैसे जैसे वहाँ पर कराते थे, वर्टिकल अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, कलर लगा सकते हैं, एवरी थिंग इज़ अवेलेबल हीयर। सो आई होप, अब आप ही बताइए कि गूगल शीट ज़्यादा बेहतर है या एक्सेल शीट ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी वीडियो आपको ज़रूर समझ में आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ शेयर भी करें इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो सब तक पहुँच सके, हर एक व्यक्ति के पहुँच तक जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।